हेलो नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग अनुपात और समान अनुपात का आज पार्ट 15 करेंगे, जिसमें गाय व मुर्गा पर आधारित प्रश्न उसका लास्ट टाइप मतलब पार्ट 4 करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? ब्याज से संबंधित प्रश्न, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न और समय दूरी चार से जो प्रश्न आते हैं वो। अभी तक जो भी प्रश्न हमने पढ़ा उसमें जो कुछ बचा हुआ था इस पार्ट में करके इस गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न को खत्म करेंगे। देखिए ध्यान से, ये लास्ट टाइप रहेगा। क्वेश्चन पहला देखिए, यदि 5,000 रुपया का कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज पर और शेष धन को 7% वार्षिक ब्याज पर लगाया तथा एक वर्ष में उसे 315 रुपया प्राप्त हुआ, तो बताया कि उसने 7% पर कितना धन लगाया। इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार बनाते हैं देखिए। किसी आदमी के पास 5,000 रुपया है, कोई आदमी है उसके पास 5,000 रुपया है, उसने 5,000 रुपये में से कुछ भाग को लगाया 6% पर और जो बचा हुआ धन था उसको लगाया 7% पर। तो पूछ रहा है कि 7% पर उसने कितना धन लगाया, यही आपके प्रश्न में पूछ रहा। एक वर्ष में उससे कुल कितना 315 रुपये प्राप्त होता है जो दिया गया है प्रश्न में। तो इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार बनाइएगा। देखिए 7% पर पूछ रहा है, तो क्या 5,000 रुपये को क्या करेंगे कि 6% पर एक वर्ष के लिए कितना हुआ, मतलब 5,000 रुपया का 6% पर मतलब 6/100 एक वर्ष के लिए कितना हुआ, एक से गुना करें या नहीं, तो कितना हो जाएगा 50 × 6 मतलब 300 रुपया। जबकि आपके प्रश्न में दिया है कि एक वर्ष के लिए कितना हो जाता है, एक वर्ष में 315 रुपया हो जाता है। तो 300 और 315 का अंतर कितना हो गया 15, और 6% और 7% का अंतर कितना हो गया 1%। तो अंतर को अंतर से डिवाइड करेंगे मतलब 15 को 1% से डिवाइड करेंगे यानी कि 15/1% ऊपर जाएगा मतलब 100। कितना चला आया 1500। इस प्रश्न का आंसर हो गया 1500। इसी प्रकार के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ताकि यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिए, इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं। यदि 1,000 रुपया नहीं 10,000 रुपया का कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज पर और शेष धन 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया तथा एक वर्ष में उसे कुल 1,090 रुपया प्राप्त हुआ, तो बताइए कि उसने 10% पर कितना धन लगाया। मतलब क्वेश्चन ये है, किसी आदमी के पास 10,000 रुपया है, उसने 10,000 रुपया को दो भागों में उधार लगाया। पहला भाग कितना पर लगाया 10% पर और दूसरा भाग लगाया 12% पर। तो उसे एक वर्ष में 1,090 रुपया प्राप्त होता है। तो 10% पर उसने कितना धन उधार लगाया, 10% पर कितना धन उधार लगाया यही पूछ रहा है। तो इसे कैसे बनाएंगे जो देखिए, 10% पर पूछ रहा है, तो 10,000 रुपया का 10,000 रुपया का 12% की दर से एक वर्ष में उसे कुल कितना पैसा प्राप्त हुआ जो निकालेंगे। तो एक लिखे या नहीं, मतलब ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा यानी कि उसे 1,200 रुपया प्राप्त हुआ। 10,000 रुपया का 12% की दर से 1,200 रुपया प्राप्त हुआ, जबकि आपके प्रश्न में दे रहा है कितना 1,090 रुपया। प्रश्न में दे रहा है 1,090, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना 1,200 और 1,090 का डिफरेंस, 1,090 में 10 दे देंगे तो 1,100 हो जाएगा मतलब 110। 110 रुपया दोनों का डिफरेंस हो गया। और यहाँ 10% और 12% का डिफरेंस कितना 2% का है, यानी कि 110 को कितना से डिवाइड करेंगे 2% से, यानी कि 110/2 बटा 100 लिखेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा यानी कि 55 × 110 5,500 रुपया कितना पर लगाया 10% पर लगाया 5,500। तो शेष 12% पर कितना लगाया, अगर जो वो पूछे तो कितना होगा, 10,000 में से 5,500 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4,500 रुपया 12% पर लगाया। ये तो आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। फिर से देखिए कैसे बनाए, 10,000 रुपया को 10% पर लगा, 10,000 रुपया को पहले 10% पर लगाता है फिर 12% पर लगाता है, तो 10% पर कितना धन लगाया वो पूछ रहा है और एक वर्ष में उसे 1,090 रुपये प्राप्त होता है। तो 10% पर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे कि 10,000 रुपया का 12% की दर से एक वर्ष में कितना उसे प्राप्त हुआ, तो 10,000 रुपया का 12% की दर से एक वर्ष के लिए उसे कुल 1,200 रुपये प्राप्त हुआ, जबकि आपके प्रश्न में दे रहा है 1,090 रुपये प्राप्त हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस 110 रुपया और 10% 12% का डिफरेंस 2%, तो 110 को 2% से डिवाइड किए मतलब जो आंसर आएगा 5,500 रुपये 10% पर लगाया, तो 10,000 रुपये में से 10% पर लगाया 5,500, तो 12% पर कितना लगाया होगा, 10,000 में से 5,500 घटा देंगे मतलब 4,500 रुपये लगाया 12% पर, यानी कि इस प्रश्न का आंसर 10% पर पूछ रहा है, तो 5,500 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। एक क्वेश्चन आप देखते हैं ऐसा सेम इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन देखिए, ब्याज से संबंधित ही। कोई आदमी है उसके पास कितना है 32,000 रुपया है, किसी आदमी के पास 32,000 रुपया है,
32,000 रुपया को उसने एक 16% पर लगाया और दूसरे को 18% पर लगाया, मतलब 16% पर और दूसरा धन कितना पर लगाया, शेष बचे हुए को 18% पर, तो उसे एक वर्ष में कुल 5,260 रुपया प्राप्त होता है। तो 18% पर उसने कितना धन लगाया, मतलब 18% पर आपके प्रश्न में पूछ रहा, तो क्या करेंगे, उसने 32,000 रुपया का 16% की दर से एक वर्ष में कितना धन प्राप्त किया, यानी कि 32,000 रुपया का 16% की दर से एक वर्ष में कुल कितना पैसा प्राप्त किया, तो ये कितना हो जाएगा, 320 × 16 करेंगे तो 0 16 × 32 हाथ में 3 रहेगा, 148 दिन का मतलब 5,120 रुपया, जबकि आपके प्रश्न में दिया है कि एक वर्ष में उसे 5,260 रुपया प्राप्त होता है, एक वर्ष में 5,260 रुपया प्राप्त होता है, ये आपके प्रश्न में दिया गया है 5,260 रुपया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 1, मतलब 140 रुपया उसे दोनों का अंतर है, जबकि 16% और 18% ये दोनों का अंतर कितना है, 2% का अंतर है दोनों का, तो 140 को कितना से डिवाइड करेंगे, 2% को, मतलब 140/2 × 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 बार में 140 कैंसिल हो जाएगा, तो 70 × 100 यानी कि 7,000 रुपया, 7,000 रुपया ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया ऑप्शन नंबर हो गया थर्ड। फिर से देखिए कैसे बना इस क्वेश्चन को, 32,000 रुपया किसी आदमी के पास था, उसने 16% पर लगाया कुछ धन को और शेष बचे हुए धन को 18% पर लगाया, तो 16% पूछ रहा है कि 18% पर कितना धन लगाया, तो 18% पर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे कि 32,000 रुपया का 16% की दर से एक वर्ष में उसे कुल कितना प्राप्त हुआ, तो 5,120 रुपया प्राप्त हुआ, जबकि आपके प्रश्न में दिया है 5,260 रुपया प्राप्त हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 140 रुपया और 16% का 18% का डिफरेंस कितना, 2% का, तो 140 को 2% से डिवाइड किए, जो भी आंसर आएगा वो 18% पर कितना धन लगाया, जो यानी कि 18% पर कितना धन लगाया, 7,000 रुपया। तो अगर तो पूछे कि 16% पर कितना धन लगाया, तो 32,000 में से 7,000 घटा देंगे यानी कि 25,000 रुपया लगाया 16% पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न में देखिए 62,000 रुपया लगाता है 15% वार्षिक से और शेष धन को 16.2/3% यहाँ पर भिन्न में दे दिया गया है प्रतिशत, और पिछला दो भी प्रश्न किए थे उसमें एक वर्ष का इतना रुपया प्राप्त हुआ इस प्रकार से दिया रहता था, लेकिन यहाँ दिया गया 3 वर्ष में उसे 297,000 रुपया प्राप्त हुआ, तो उसने पहले भाग मतलब 15% पर कितना धन लगाया वो पूछ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिशत दिया गया है जो भिन्न में इस कारण से। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, किसी आदमी के पास 62,000 रुपया है, किसी आदमी के पास 62,000 रुपया है, उसने 62,000 रुपया को पहले कितना पर लगाया, पहले लगाया 15% पर, 15% क्या दिया है, 15% वार्षिक, वार्षिक मतलब समझते हैं ना, वार्षिक मतलब होता है एक वर्ष, 15% पर लगाया वार्षिक और दूसरा कितना परसेंट पर लगाया, 16.2/3%, किसी को बोल सकते हैं 50/3%, 50/3% किसी को बोल सकते हैं, मतलब पहला धन को लगाया 15% पर और दूसरा धन को लगाया कितना पर, 16.2/3% पर, मतलब 50/3% पर, तो ये वार्षिक है, देखिए दिया गया प्रश्न में वार्षिक, वार्षिक मतलब क्या होता है कि ये धन लगाया गया है एक वर्ष के लिए, लेकिन आपके प्रश्न में दिया है कि 3 वर्ष में उसे 297,000 रुपया प्राप्त हुआ, तो 3 वर्ष में कितना होगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुना समय, मतलब SI प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज प्रतिशत बराबर R × T प्रतिशत, मतलब ब्याज प्रतिशत बराबर दर गुना समय, तो देखिए 3 से इसमें भी गुना कर लेंगे, मतलब 15% × 3, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, 50/3% × 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 45%, पहला भाग पर पूछ रहा है, मतलब 45% पर पूछ रहा है, पहला भाग पर कितना धन लगाया, तो 62,000 रुपया को 50% की दर से 3 वर्ष में कितना लगाया वो हम निकाल लेंगे, यानी कि 62,000 का कितना निकाल लेंगे 50%, तो 62,000 पूरा अपने आप में 100% है, तो 50% कितना होगा, मतलब इसका आधा यानी कि 31,000, और आपके प्रश्न में दिया गया है 3 वर्ष में कितना प्राप्त होता है 297,000, मतलब 297,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा, फिर 10 में से 7 घटेगा 3, यहाँ 0 हो गया, 10 में से 9 घटेगा 1, 2 में से 2 गया 0, मतलब 1,300 रुपया का अंतर है, और 45% और 50% ये दोनों का अंतर कितना है 5% का,
तो 1300 में कितना से डिवाइड कर देंगे, 1300 में कितना से डिवाइड करेंगे, 1300 में डिवाइड करेंगे 5% से, मतलब 1300 बटा 5%, 1300 बटा 5%, परसेंट हटाएंगे 5 बटा 100 लिखेंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, मतलब कितना हो गया ये 26/25 से यानी कि 260 बार में कटेगा तो 260 × 6 कितना चला रहेगा 26,000 रुपया, यानी कि 45% पर कितना लगाया 26,000 रुपया। अगर जो निकाला रहता कि 16 × 2/3% यानी कि 50% पर कितना लगाया तो 62,000 में से 26,000 घटा देंगे, जो चलाएगा वो क्या होगा 50% पर लगाया, लेकिन आपके प्रश्न में पूछ रहा है पहला भाग पर यानी कि 15% अर्थात 45% पर पूछ रहा है, यानी 26,000 रुपया आपके प्रश्न का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। सर फिर से देखिए कैसे बनाए इस प्रश्न को, किसी आदमी के पास 62,000 रुपया था, उसने 15% वार्षिक पर कुछ धन को लगाया, शेष बचे हुए धन को 16 × 2/3% पर लगाया, ये वार्षिक मतलब एक वर्ष के लिए लगाया, जबकि आपके प्रश्न में दिया है 3 वर्ष में उसे 297,000 रुपया प्राप्त हुआ, तो 3 वर्ष में प्रतिशत ब्याज कितना होगा, तो 15 × 45%, ये पूरा 50/3% को 3 से गुना करेंगे तो 50% हो जाएगा। आपको निकालना है पहला भाग मतलब 45% के लिए, 45% के लिए निकालना है तो क्या करेंगे 62,000 रुपया का 50% पर कितना धन हुआ उसे, मतलब 100% अपने आप में 62,000 है तो 50% कितना होगा, इसका आधा मतलब 31,000 रुपया, आपके अनुसार 31,000 रुपया, जबकि प्रश्न में दिया है 3 वर्ष में 297,000 रुपया, तो इन दोनों का डिफरेंस 1300 रुपया और 45% 50% का डिफरेंस कितना 5% का, तो 1300 को 5% से भाग दे दिए, मतलब जो आंसर आएगा वो कितना पहला भाग यानी 45% पर लगाया 26,000 रुपया आंसर चलाया। अगर निकालना रहता कि दूसरा भाग मतलब 50% पर कितना हुआ तो 62,000 में से 26,000 घटा देंगे, वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा अगर जो पूछता दूसरा भाग पर, तो लेकिन पहला भाग पर पूछ रहा है आंसर हो गया 26,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनसंख्या से संबंधित। अब देखिए जनसंख्या से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जनसंख्या से संबंधित प्रश्न का पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया इस वीडियो का। एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 7,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो जाती है, तो कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक शहर है, शहर या कस्बा या गाँव है उसमें 7,000 जनसंख्या है, कस्बा में कोई छोटा गाँव होता है उसमें 7,000 जनसंख्या है, 7,000 में से कुछ पुरुष हैं और कुछ स्त्री हैं, कुछ पुरुष है एवं कुछ स्त्रियां हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब प्लस 10% वृद्धि को प्लस से दिखाते हैं, एवं स्त्रियों की संख्या में भी 15% की वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रहा है तो पूरी जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो जाती है, पूरी जनसंख्या में कितना की वृद्धि हो जाती है 800 की वृद्धि हो जाती है, तो कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या है, मतलब पुरुष की संख्या क्या है जो पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी पहले जैसे बनाते आ रहे हैं उसी प्रकार बनाइएगा। देखिए पुरुषों की संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है 10% की और स्त्रियों की संख्या में 15% की, आपको निकालना है कि 7,000 में से पुरुष की संख्या कितना है, जो निकालना है मतलब कस्बे में पुरुषों की संख्या निकालना है, तो पुरुषों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे कि 7,000 टोटल है तो 7,000 का स्त्री कितना परसेंट है, स्त्री में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, मतलब 7,000 का 15% कितना हो जाएगा, 7,000 का 15% 15 × 75 = 1050 हो जाएगा, जबकि आपके प्रश्न में दिया गया है कितना, प्रश्न में कितना की वृद्धि हो रहा है 800 की वृद्धि हो रहा है, प्रश्न में 800 की वृद्धि हो रहा है तो 1050 और 800 का डिफरेंस कितना हो गया 250 का, जबकि यहाँ 10% और 5% का डिफरेंस कितना है 5% का, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है या दोनों कमी भी रहता है 10% कमी 15% कमी, तो अंतर निकालने के लिए दोनों को घटाते, एक प्लस एक माइनस रहता है तो अंतर निकालने के लिए जोड़ते, तो प्लस 10% प्लस 15% का अंतर 5% का, मतलब 250 को 5% से डिवाइड करेंगे यानी कि 250/5/100 करेंगे तो 100 ऊपर चला आएगा, यानी कि कितना 50 × 100 यानी कि 5,000, 5,000 क्या चला आया पुरुषों की संख्या, अगर तो स्त्रियों की संख्या निकालना रहता तो क्या होता 7,000 में से 5,000 पुरुष है तो 2,000 क्या हो जाएगी स्त्री हो जाएगी, ऑटोमेटिक आप बता सकते हैं। फिर से देखिए किस प्रकार बनाए हम, 7,000 किसी शहर की जनसंख्या है उसमें से पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही है, स्त्री में 15% की वृद्धि हो रही है और पूरा शहर में इस प्रकार 800 की वृद्धि हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या शहर में कितना है कस्बा में यानी 7,000 में से कितना पुरुष है जो निकालना है, तो क्या करेंगे आपको पुरुष निकालना है तो स्त्रियों की संख्या में कितना की वृद्धि हुआ जो निकाल लेंगे, मतलब 15% की वृद्धि हो रही है स्त्री में तो 7,000 का 15%
स्त्री की स्त्री में प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है 15% का, लेकिन एक्चुअल में कितना का, तो 7000 का 15% निकालेंगे तो 1050 आए, और आपके प्रश्न में दिया गया है 800 का वृद्धि हो रहा है, तो 1050 और 800 का अंतर 250, यहाँ 10% 15% का अंतर 5%, दोनों का डिफरेंस करेंगे वही आपके 7000 में से जितना पुरुष होगा जो निकालकर चला आया, अगर जो स्त्री निकालने का रहता तो 7000 में से 5000 घटा देंगे वह स्त्री हो जाएगी। तो इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या से संबंधित ही कम से कम 2 क्वेश्चन आप करते हैं। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक कस्बा मतलब कोई शहर या गांव है, उसमें कुल टोटल कितना जनसंख्या, टोटल जनसंख्या 12000 है, और 12000 टोटल जनसंख्या किसी शहर का कितना है 12000, 12000 में से कुछ पुरुष है और कुछ स्त्री है, 12000 में से कुछ पुरुष है एवं कुछ स्त्री है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है जो देखिए ध्यान से, क्योंकि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि, पुरुष में 20% की वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में 10% की कमी हो रहा है, मतलब पुरुष में कितना 10% की वृद्धि मतलब +10% और स्त्रियों की संख्या में 20% की वृद्धि, तो +20% और स्त्रियों की संख्या में 10% की कमी मतलब -10% लिखेंगे। क्या निकालना है, तो पूरी जनसंख्या में 900 की वृद्धि हो जाती है, तो कस्बे में स्त्रियों की संख्या, पिछला क्वेश्चन में था पुरुषों की संख्या, इस क्वेश्चन में है स्त्रियों की संख्या, तो देखिए कैसे बना लेंगे इस क्वेश्चन को, स्त्रियों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 12000 जो कस्बा की जनसंख्या है तो पुरुष में कितना की वृद्धि हुआ जो निकाल लेंगे, मतलब 12000 का कितना 20%, 12000 का 20% मतलब कितना हो जाएगा, 2020 कैंसिल कर दीजिए मतलब 2400, यानी कि पुरुष में कितना की वृद्धि हो गई 2400 की, और टोटल की वृद्धि कितना हो रही है, प्रश्न में आपके दिया पूरी जनसंख्या में 900 की वृद्धि हो रही है, तो 2400 और 900 दोनों का डिफरेंस कितना 1500 का, और यहां 20% और -10% दोनों का अंतर कितना, प्लस माइनस रहता है तो अंतर निकालने के लिए जोड़ते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 30% दोनों का डिफरेंस हो गया, तो 1500 को कितना से डिवाइड कर देंगे 30% से, तो परसेंट हटेगा तो बटा 100 नीचे आएगा और ये 100 कितना चला जाएगा ऊपर में चला जाएगा 100, यानी कि 3×5=15, 50 बार में कट जाएगा तो कितना चला आएगा 5000 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिए फिर से इस क्वेश्चन को बताते हैं, किसी कस्बा की जनसंख्या 12000 है, पुरुष में 20% की वृद्धि हो रही है, स्त्री में 10% की कमी हो रही है, और इस प्रकार पूरी जनसंख्या में 900 की वृद्धि हो रही है, तो आपके प्रश्न में पूछ रहा है कस्बे में स्त्रियों की संख्या क्या है, स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे कि पुरुष में कितना वृद्धि या कमी हुआ जो करेंगे, मतलब स्त्रियों की संख्या निकालना है तो 12000 जो है टोटल जनसंख्या, तो 12000 का 20% कितना वृद्धि हुआ जो, तो 12000 का 20% निकाले तो कितना आया 2400 आया, और आपके प्रश्न में दिया गया है कितना 900 की वृद्धि, तो 2400 और 900 का डिफरेंस कितना 1500 हो गया, और 20% +20% -10% मतलब 20% वृद्धि 10% कमी का अंतर कितना 30% हो गया, तो 1500 को 30% से डिवाइड कर देंगे मतलब कितना चला आया 5000, यानी कि आपके शहर में स्त्रियों की संख्या कितना है 5000, क्या चला आया स्त्रियां 5000 स्त्रियां, तो पुरुष कितना होगा, अगर जो पुरुष आंसर तो हो गया आपके प्रश्न का, अगर जो पुरुष पूछता तो 12000 में से 5000 स्त्री है तो पुरुष कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 7 मतलब जनसंख्या से संबंधित तीसरा प्रश्न। एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल संख्या 9000 है, मतलब किसी कस्बा में टोटल 9000 जनसंख्या है, 9000 में से कुछ पुरुष है एवं कुछ स्त्री है, तो पुरुष की संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, पुरुष की संख्या में 5% की वृद्धि और स्त्री में 8% की वृद्धि, मतलब दोनों में यहाँ वृद्धि हो रहा है, पिछला क्वेश्चन में था एक में वृद्धि और एक में कमी, पुरुष की संख्या में 5% की वृद्धि और स्त्री की संख्या में 8% की वृद्धि हो रहा है, तो पूरी जनसंख्या में 600 की वृद्धि हो जाती है। आपसे पूछ रहा है स्त्रियों की संख्या कितना है, मतलब यही महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, स्त्रियों की संख्या, तो कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, सेम पिछला प्रकार का क्वेश्चन है, स्त्रियों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे कि टोटल जनसंख्या 9000 है, 5% पुरुष में वृद्धि हो रहा है तो प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है 5000, तो ऐसे संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है जो निकालेंगे, मतलब 9000 का कितना निकालेंगे 5%, तो कितना चला आएगा 450, जबकि आपके प्रश्न में कितना दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है 600, आपके प्रश्न में कितना दिया गया है 600 दिया गया है, आपके प्रश्न में वृद्धि हो रहा है तो 450 और 600 का अंतर कितना हो जाएगा 150,
यहाँ 5% और 8% का डिफरेंस कितना 3% हो गया। तो क्या करेंगे 150 का मतलब 150 का 3% से डिवाइड कर देंगे, यानी कि परसेंट हटेगा तो क्या चला जाएगा ऊपर 100, यानी कि 50 दिया 150, यानी कि 50 × 100 तो 5000। 5000 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए कैसे बनाए, किसी कस्बा की जनसंख्या 9000 है, ये कस्बा में टोटल 9000 स्त्री पुरुष है, तो पुरुष में 5% की वृद्धि हो रहा है, स्त्री में 8% की वृद्धि हो रहा है, और इस प्रकार पूरी जनसंख्या में 600 की वृद्धि हो जाती है। तो पूछ रहा है शहर में स्त्रियों की संख्या कितना है, स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे कि पुरुषों की संख्या में कितना की वृद्धि या कमी हुई, तो 900 का 5% निकालेंगे तो कितना चला आया 450 की वृद्धि हो रहा है पुरुष में, जबकि आपके प्रश्न में दे रहा है कि टोटल 600 की वृद्धि हो रहा है, तो 450 और 600 का अंतर कितना चला आया 150, और यहाँ 5% और 8% वृद्धि का अंतर 3%, तो 150 को 3% से डिवाइड करेंगे, मतलब जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्त्रियों की संख्या कितना चला आया 5000। अगर जो पूछता है इसी प्रश्न में कि पुरुषों की संख्या कितना है, तो 9000 में से 5000 घटा देंगे तो 4000 बचेगा जो पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब दूरी एवं चाल से। अब देखिए समय और दूरी एवं चाल से पहला प्रश्न कैसा है, जो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी कुछ साइकिल से एवं कुछ पैदल चलकर कुल 8 घंटा में तय करता है। यदि साइकिल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा एवं पैदल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसने पैदल यात्रा कितने समय लिया, मतलब पैदल उसने कितना दूरी तय किया। जो पूछ रहा है कोई व्यक्ति है जो 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है कुल 8 घंटा में, और कुछ दूरी मतलब 90 किलोमीटर की जो दूरी है ये कुछ दूरी पैदल चलती है और कुछ दूरी साइकिल से चलती है, कुछ दूरी पैदल चलती है और कुछ दूरी साइकिल से चलती है। तो पूछ रहा है आपके प्रश्न में उसने पैदल कितना यात्रा तय की, मतलब पैदल पूछ रहा है पैदल कैसे चलता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, और साइकिल से कैसे चलता है, साइकिल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, साइकिल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको निकालना है पैदल कितना यात्रा तय की, जो आप जानते हैं पैदल निकालना है, तो क्या करेंगे कि वो 8 घंटा जो दूरी तय की वो साइकिल से चलकर तय की, तो एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या है, एक घंटा में 18 किलोमीटर दूरी तय की, तो 8 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। इस ऐसे भी दूरी बराबर चाल गुना समय फॉर्मूला होता है, अगर जो नहीं जानते हैं तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो एक घंटा में 18 किलोमीटर तो 8 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, मतलब 18 × 8 यानी कि 144 किलोमीटर। आप ऑटोमेटिक ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब दूरी कितना चला 144 किलोमीटर। प्रश्न में कितना दूरी दिया गया है, प्रश्न में दूरी दिया है 90 किलोमीटर, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 144 और 90 दोनों का डिफरेंस कितना 54, 4 में से 0 तो 4, 14 में से 9 तो 5, मतलब 54 किलोमीटर, और यहाँ 9 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ चाल का अंतर कितना है 18 और 9 मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल का अंतर भी 9 किलोमीटर है। हमें निकालना है कि पैदल कितना यात्रा तय की, यात्रा पैदल यात्रा मतलब कितना दूरी तय की, पैदल दूरी मतलब पैदल से कितना दूरी तय की जो निकालना है, तो क्या करेंगे दूरी बराबर क्या होता है चाल बटा समय, या सिंपल दूरी बराबर हमें क्या निकालना है पैदल कितना समय लिया, समय पूछ रहा है पैदल उसने पैदल यात्रा कितने समय लिया, कितने समय तो पैदल में कितना समय लिया, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, आप जानते होंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना हो गया, दूरी का अंतर 90 किलोमीटर और चाल का अंतर कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा तो एक घंटा ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, यहाँ कितना चला आया, ये डिफरेंस 144 और 90 का डिफरेंस कितना, 144 और 90 का डिफरेंस कितना होगा 54, और यहाँ 18 किलोमीटर और 9 किलोमीटर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 18 और 9 का डिफरेंस 9 ही होगा, मतलब 54 बट अंतर यहाँ कितना है 54 किलोमीटर, तो 54 किलोमीटर बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे तो 9×6 कितना होगा 54, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा यानी कि घंटा ऊपर चला जाएगा तो 6 घंटा। फिर से देखिए किस प्रकार इसे बनाए, आपके प्रश्न में दिया है टोटल 90 किलोमीटर दूरी तय करना है 8 घंटा में, कुछ दूरी पैदल तय करता है कुछ दूरी साइकिल से तय करता है, हमें निकालना है पैदल उसने कितना समय लिया, मतलब 8 घंटा टोटल दूरी तय की तो 8 घंटा में पैदल कितना घंटा चला, तो पैदल निकालना है तो मान लेंगे कि टोटल 8 घंटा वो साइकिल से यात्रा की, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से चलता है मतलब 1 घंटा में 18 किलोमीटर तो 8 घंटा में 144 किलोमीटर, मौखिक भी बना सकते हैं मतलब साइकिल से 144 किलोमीटर, ऐसे आपके प्रश्न में दिया है कितना टोटल 90 किलोमीटर, तो 144 किलोमीटर 90 किलोमीटर का अंतर कितना 54 किलोमीटर, यहाँ
9 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर कितना, 9 ही होगा, तो 54 किलोमीटर हमें निकालना है समय, तो समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी कितना चला, दूरी का अंतर 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर ऊपर लिखे, और यहाँ चाल का अंतर कितना 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा नीचे लिखे, चाल का अंतर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54/9 मतलब 6 घंटा चलाया। पैदल कितना, 6 घंटा यात्रा की, पैदल समय लिया 6 घंटा। अगर जो साइकिल से ही पूछता साइकिल से कितना समय लिया, तो क्या करते, साइकिल से समय पूछता तो 8 घंटा में से 6 घंटा घटा देते, मतलब 2 घंटा किससे लिया, साइकिल से लिया। लेकिन आपके प्रश्न में पूछ रहा है क्या, पैदल, तो पैदल चलाया 6 घंटा, ऑप्शन नंबर कितना 4। इस प्रकार के प्रश्न को आप इसी तरीका से बनाएगा तो तुरंत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे। अब हम लोग यह वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि लाइट चला गया है, इस कारण से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग किए हैं, मतलब जो भी गाय मुर्गा से संबंधित प्रश्न था, समय दूरी चाल से हमने एक ही प्रश्न किया। आप प्रैक्टिस के लिए मतलब इसी प्रकार से बनाएगा तो किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं, ये भी टफ नहीं होता है, इजी ही होता है। मतलब गाय व मुर्गा से संबंधित जितना प्रकार से प्रश्न बनता था, हमने सभी प्रकार के प्रश्न कुल 4 पार्ट में किया है, पार्ट 1, 2, 3, और ये आज का वीडियो लास्ट पार्ट था, मतलब पार्ट 4 गाय व मुर्गा से आधारित प्रश्न आज खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया चीज पढ़ेंगे, जैसे दूध और पानी बचा है उसका भी कम से कम 8 टाइप या 10 टाइप तक जाएगा, और कुछ और भी बाकी है, जैसे कोई भी धान का बंटवारा होता है वो सभी वाला प्रश्न, मतलब और भी जो भी करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब गाय व मुर्गा पर आधारित जितने प्रकार का प्रश्न था वो सबको हमने 4 पार्ट में कवर कर लिया। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग उसका अनुपात और समानुपात का वीडियो नंबर कितना होगा, पार्ट उसका 16 होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।